कोलारस थाना पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी। चेकिंग के दौरान पुरानी शराब दुकान के पास दो वाहनों को पकड़कर पूछताछ की। पूछताछ करने पर 3 क्विंटल टूटा चूरा पकड़ा। बाजार में इसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज हमारी पुलिस को, कोलारस पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ये दो वाहनों में हमको सूचना मिली कि ये दो वाहनों में, एक आइसर और एक स्कोडा रैपिड वाहन में अवैध रूप से मादक पदार्थ डोडा चूरी का परिवहन किया जा रहा है और विक्रय किया जा रहा है। इस पर से हमारी जो टीम लगी थी उपनिरीक्षक अंकित उपाध्याय के नेतृत्व में, उसने पुरानी कलारी के सामने पड़ोरा पर दोनों वाहनों को रोक करके पूछताछ की। इसमें एक आगे के वाहन में, कार में दो व्यक्ति मिले और पीछे आइसर में दो व्यक्ति मिले।